आज मैं देखता हूँ कि दिन काटने भी बड़े मुश्किल हो रहे हैं। वो मातृभूमि जो खून से आजादी मिली, जो कुर्बानियों से इस मातृभूमि का नाम रखा गया, खून से लथपथ धरती, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक संदेश लोगों तक पहुंचाना है। ये मत समझे कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हैं, मत समझे नरेंद्र मोदी जी किसी पार्टी से है, देश के, वो समझे कि वो देश के प्रधानमंत्री है और मानवता का संदेश देते हुए कोई किसी पार्टी का हो वो चाहते हर व्यक्ति को लेकर आ रहे। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने आतंकवाद विरोधी मोर्चा के मुखिया मनिंदर सिंह बिट्टा जी को ला रहे। मनिंदर सिंह बिट्टा जी, आपका स्वागत है। बिट्टा जी को जिंदा शहीद कहा जाता है और देश भर में आतंकवाद विरोधी आवाज को बुलंद करने के लिए और राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज के तौर पर भी जाना जाता है। बिट्टा जी, पूरा देश घरों में है और इस वक्त कोरोना के साथ के लड़ाई में भी, मतलब आतंकवाद के साथ तो आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन आप कोरोना के विरुद्ध के लड़ाई में भी आपका आवाज बुलंद है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मेरी आवाज तो बुलंद नहीं है क्योंकि ये बम्बों गोलियों की लड़ाई, शरीरों पे जब बम चलते हैं वो बड़ा मजा आता है, राष्ट्र की लड़ाई होती है। ये आज एक ग्लोबल क्रोमा है, ग्लोबल हम कहते हैं वार अगेंस्ट क्रोमा। हमारे अंदर जो अभी आवाज बुलंद हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, मानवता का संदेश देते हुए पूरी दुनिया से रिसर्च करके, डॉक्टरों से देख करके, वैज्ञानिकों को पूछ करके पूरी दुनिया में हमारे देश के लोगों को कहा कि मुश्किल की घड़ी है, 21 दिन के लिए हमें घर में रहना होगा। और आपको पता है कि अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, रोजे भी आते हैं, नवरात्रे भी आते हैं। मैं तो सबको ये कहना चाहूंगा, एक महीने के लिए रोजा और एक महीने के लिए नवरात्रे मान करके नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है, मानवता की रक्षा, क्योंकि बम गोलियां जब चलते हैं तो कुछ लोग शहीद होते हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं, है एक लगेगी दूसरी आग लगेगी तीसरी, ये तो मक्खियों की तरह लोग, मक्खी मच्छरों जानवरों की तरह लोग बेचारे दुनिया से चले जाएंगे। तो मैं लोगों को ये कहना बिल्कुल चाहूंगा कि इस वक्त मजाक का वक्त नहीं है, इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है, इस वक्त मीडिया पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, इस वक्त है कि हम इंसानों की जिंदगियों को बचा लें। ये वो भारत है, सुदर्शन जी मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, यहां छांबाजी महाराज, जिनके बच्चों को एक महीना टुकड़े टुकड़े करके उनके ऊपर जुल्म किए गए, ये वो गुरु गोविंद सिंह महाराज की धरती, जिनके दो साहबजादों को कड़क सर्दी के अंदर नियम में चिणवा दिया गया और 6 महीने के लिए कड़क सर्दी में जेल में रखा गया, और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, सफाकुल्ला खां, उन्होंने किस लिए कुर्बानियां दी थी, हमारे लिए दी थी, आने वाली नई जनरेशन के लिए दी थी। वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे, वो चाहते तो मजे की जिंदगी काट सकते थे, पर हमें आज मैं देखता हूँ 21 दिन काटने भी बड़े मुश्किल हो रहे हैं। वो मातृभूमि जो खून से आजादी मिली, जो कुर्बानियों से इस मातृभूमि का नाम रखा गया, खून से लथपथ धरती, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक संदेश लोगों तक पहुंचाना है। ये मत समझे कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हैं, मत समझे नरेंद्र मोदी जी किसी पार्टी से है, देश के, वो समझे कि वो देश के प्रधानमंत्री है और मानवता का संदेश देते हुए कोई किसी पार्टी का हो, वो चाहते हर व्यक्ति की जान बचनी चाहिए। ये मेरा, मैं आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल। और इस पूरे समय में हमको उन सावरकर जी को भी याद करना चाहिए जो 11 साल एक ही काल कोठड़ी में थे, उनके सगे भाई भी वहीं पर थे, लेकिन उनकी भेंट नहीं हो पाई। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं कहने वाला था, आपने पहले कर दिया। वीर सावरकर जी काला पानी के और महापुरुष, हिंदुस्तान से कितनी दूर काला पानी, जहां ट्रेन नहीं जाती, जहां कुछ नहीं जाता, वहां रोज सावरकर जी के ऊपर और काला पानी के देशभक्तों के ऊपर जुल्म किए जाते थे, फांसी के रस्से को चढ़ाया जाता था, परिवारों को मिलने नहीं दिया जाता था, वो किस लिए कुर्बानी दी। आज के लोग, आज के हमारे बच्चे, आज के हमारे पॉलिटिशियन, क्या उन कुर्बानी शहादतों को समझेंगे
कि आज तो मुल्क आजाद है, उन्होंने आजाद करके दे दिया, उन्होंने औरंगजेब के जुल्मों से आपको अच्छा भारत दिया। आज भारत क्या चाहता है, भारत माँ क्या चाहती है, हिंदुस्तान के चौकीदार, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्या चाहते, यही चाहते। मेरी बात का को बुरा ना बनाए, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का, इंसानियत की बात करना चाहता हूँ। वो यही चाहते हैं कि मानवता देश देते हुए इस भारत को बचाया जाए, नहीं तो वो कहते 21 साल भारत दूर चले जाएगा। अगर 21 दिन हमने ये ना माना प्रधानमंत्री जी का संदेश, तो 21 साल दूर चले जाएगा। कहां 370 धारा, कहां राम जन्मभूमि, बड़े बड़े मुद्दे हल कर दिए गए। और इस लड़ाई से लड़ने के लिए हमें यही कहा जाता है कि सिर्फ आप घर में बैठिए और कुछ नहीं कहा जाता है।